दोस्तों आपको एक बार के लिए लग सकता है ये कोई आम ट्रेन है जो बेहद ही तेजी से अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है जिसका नाम 2T23 घोस्ट ट्रेन है। 1960 के दौरान U2 जैसे हाई अल्टीट्यूड अमेरिकन स्पाई प्लेन उस समय के रशिया के ऊपर नजर बनाए हुए थे, जिससे रशियन न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम को काफी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अमेरिकन को पता लग चुका था कि रूस का कौन कौन सा इलाका है जिनमें रूस के मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स मौजूद हैं। ऐसे में अगर रशिया और अमेरिका के बीच युद्ध हो जाता तो रशिया इन मिसाइल को लॉन्च करने से पहले ही अमेरिका के द्वारा इन न्यूक्लियर मिसाइल को नष्ट कर दिया जाता। इसी चीज के चलते ही रशिया घोस्ट ट्रेन को विकसित करता है, जिसके बाद अमेरिकन को न्यूक्लियर मिसाइल को ढूंढना समंदर में सुई खोजने जैसे बन चुका था। यह ट्रेन अलग अलग समय पर अलग अलग लोकेशन में मौजूद होते थे और घोस्ट ट्रेन की बनावट USSR की अलग ट्रेनों की जैसे ही थी, जो एक ही ट्रेन पर 3 न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकता था, जिसमें सभी के सभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थे। यानी एक ट्रेन पूरे के पूरे एशिया को तबाह करने का काबिलियत रखता था।